प्रेम तत्व को ज्ञानियों ने अमृत की संज्ञा दी है निसंदेह प्रेम तीनों प्रकार से अमृत ही है ये स्वयं अमर होता है जिसकी आत्मा में यह आविर्भूत होता है उसे अमर अनुभूति सहज ही प्रदान करता है प्रेम अमृत अर्थात अमर होता है ये तत्व न तो कभी मरता है न नष्ट होता है और न इसमें परिवर्तन का विकार उत्पन्न होता है एक बार उत्पन्न होकर यह सर्वदा बना रहता है संसार की हर वस्तु अवस्था विचार परिस्थितियां विश्वास धारणाएं, मान्यताएं प्रथाएं, यहाँ तक कि मनुष्य और शरीर बदल जाते हैं किंतु प्रेम अपने पूर्ण रूप में सदैव अपरिवर्तनशील रहता है यही इसकी अमरता है प्रेम अमृत है स्वयं अमर है प्रेम न स्वयं ही अमृत है बल्कि जिसकी आत्मा में इसका आविर्भाव होता है उसे भी अमर बना देता है प्रेम की पूर्णता प्राप्त किए बिना जिस प्रेममय को नियति के अधीन शरीर त्याग करना पड़ता है वो पुनः शरीर धारण कर उसी स्थान से अपनी प्रेम साधना को आगे बढ़ाता है अवधि पूरी होने पर नियति उसका एक शरीर तो ले सकती है किंतु साधना पूरी करने के लिए उसका नया शरीर धारण करना वर्जित नहीं कर सकती साधना के लिए एक ही जीवात्मा की यह शरीर परंपरा अमरता का ही तो लक्षण है उपरांत जब उसकी प्रेम साधना अपनी पूर्णता को प्राप्त होती है तब तो प्रेमी जीवन मरण की पुनरावृत्ति से ही मुक्त हो जाता है और मोक्ष नामक उस पद को प्राप्त कर लेता है जो न केवल अमर ही होता है बल्कि अक्षय शाश्वत होता है प्रेम तत्व में अमृतानंद की अनुभूति होती है प्रेम तत्व से ओत प्रोत आत्माएं प्राय वीतराग हो जाती है उनके विषय भोग की वासनाएं शांत हो जाती है इसलिए नहीं कि वे इसके योग्य नहीं रहते अथवा अक्षम हो जाते हैं बल्कि वे प्रेम के अमृतानंद की उपस्थितियाँ विषय भोगों की नश्वरता तथा मिथ्यात्व से अवगत हो जाते हैं जो सत्य और सब कुछ पा सका मिथ्या तथा तुच्छता की कामना किस प्रकार कर सकता है भौतिक रूप से प्रेमियों को प्राय घाटे में रहना पड़ता है वे त्याग और उत्सुक की मूर्ति होते हैं अपने प्रेमास्पद के लिए सर्वस्व बलिदान कर देते हैं तब भी प्रेम के प्रसाद से एक अनिर्वचनीय आनंद से प्रोत बने रहते हैं वे आत्मा तुष्ट आत्मानंदित तथा आत्मा सुखी बने रहते हैं देश से प्रेम करने वालों धर्म से प्रेम करने वालों विचार और आदर्श से प्रेम करने वालों ने गोली शूली, फांसी और अंग भंग की भयानक यातनाएं पाई किंतु प्रेम के प्रसाद से उनके मुख की आनंदमयी मुस्कान कभी मंद नहीं हुई यदि प्रेम में अमृत आनंद का गुण न होता तो उसके आधार पर न तो कोई मर्मांतक यातना सहन करता और न त्याग एवं उत्सग के द्वारा प्राप्त निर्धनता और अभाव को अहोभाग्य मानता प्रेम से परिपूर्ण आत्मा वाला उसके अक्षय आनंद से भरा हुआ गूंगे के गुण खाने जैसे अबोल आनंद का रस लेता हुआ प्रत्येक क्षण संतुष्ट बना रहता है प्रेम का अमृत आनंद सारे आनंदों से ऊपर और स्पृहण यह बहुत बार देखा जाता है कि लोग अपने प्रेमास्पद के लिए आंसू बहाते हैं अपने आराध्य के सम्मुख मंदिरों में विलाप करते हैं याचना करते हैं कि उन्हें शरीर कारा से मुक्त कर प्रेमास्पद के साथ एक रूप कर दिया जाए इस प्रकार व्याकुलता से व्याप्त मनुष्य को देखकर उसके भक्त अथवा प्रेमी होने का अनुमान होता है किंतु वे ही व्यक्ति जब अपने आसपास के दुखी और क्लांत मनुष्यों को देखकर उनकी पीड़ा जानकर भी मौन और उदासीन बने रहते हैं दया संवेदना अथवा करुणा से द्रवित नहीं होते तो तुरंत ही उसके प्रति भाव बदल जाता है और मानना पड़ता है कि अमुक व्यक्ति यथार्थ रूप में प्रेमी नहीं है बल्कि प्रेम प्रदर्शन करने वाला धोनगी है प्रेम तत्व से ओतप्रोत व्यक्ति की आत्मा बड़ी करुणा और हृदय बड़ा दयावान होता है करुणा और दया प्रेम के प्रमुख प्रसाद है अपने को प्रेमी मानकर भी जो अक्रुण है कठोर है निश्चित रूप से वह आदम्बरी है फिर भावातिरेक में वह अपने प्रेमास्पद अथवा आराध्य के लिए रो रो कर नदियां क्यों न बहाता रहे सच्चा प्रेमी या योगी अनु अनु में अपने प्रेमास्पद का ही आभास पाता है वह सदा सर्वदा सबके लिए करुणापूर्वक प्रेम का प्रसाद बांटता है किसी दीन दुखी को देख उसका मार्मिक हृदय उसकी सेवा सहायता किए बिना रह ही नहीं सकता महात्मा ईसा सच्चे ईश्वर भक्त और मानवता के प्रेमी थे महात्मा गांधी अपने आश्रम में कोरियो तक की सेवा सुश्रुषा किया करते थे और महात्मा ईसा तो मार्ग में मिले दुखियों का जब तक दुख दूर नहीं कर लेते थे अपनी आगे की यात्रा तक स्थगित रखते थे जहां वे ईश्वर को पाने और उसमें मिल जाने के लिए व्यग्र थे उसके लिए आंसू बहाते थे वहां उसकी दुनिया के दुखी लोगों की सेवा भी करते थे महात्मा ईसा और महात्मा गांधी यथार्थ रूप में भक्त और प्रेमी थे मनुष्य को अपने आनंद और आत्मकल्याण के लिए आदम्बरपूर्ण प्रेम से बचना और सच्चे प्रेम को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए प्रेम अमूल्य व निस्वार्थ वस्तु है प्रेम का कोई मूल्य नहीं प्रेम के सम्मुख संसार के सारे सुख सारी संपदाएं और सारी विभूतियां तुच्छ हैं संसार में एक नहीं सैकड़ों ऐसे प्रेमी जन हुए हैं जिन्होंने इस तत्व की रक्षा में धन दौलत कुटुंब कबीला जमीन जायदाद यहाँ तक कि राज सिंह भासनों को तृण के समान त्याग दिया है प्रेमियों ने प्रेम के स्थान पर उसके मूल्य में हंसते हंसते अपने शीश दान कर दिए हैं उन्होंने सब कुछ दे दिया लेकिन प्रेम त्याग की कल्पना तक नहीं कि प्रेम धन के समक्ष संसार की सारी संपदाएं तुच्छ तथा नगम्य है इतना अनमोल होने पर भी प्रेम निर्मूल्य ही है न तो उसके लिए कोई मूल्य दिया जाता है और न लिया जाता है यदि मनुष्य के पास बिना मूल्य बांटने योग्य कोई वस्तु है तो वह प्रेम ही है इस अमृत की कोई था नहीं जन जन तक झोली भरकर बांटते रहिए इसमें कमी नहीं होती बल्कि ज्यो ज्यो जितना अधिक प्रेम का प्रसाद बाँटा जाता है उसका भंडार उतना ही अधिक भरता जाता है प्रेम का प्रसाद वितरण करने में न तो कोई पैसा लगता है और न कोई उपकरण यही तो एक ऐसी संपत्ति इस भाग्यवान मनुष्य के पास है जो अनमोल होने पर भी निर्मूल्य है प्रेम का प्रसाद वाणी से शरीर सेवा से भावना से विचार से करुणा दया सहानुभूति संवेदना आदि किसी भी रूप में संसार भर में वितरित किया जा सकता है प्रेम के अमृत में तो धन लगता है और न उसका दान करने में कुछ व्यय ही होता है प्रेम का अमृत न केवल अमूल्य ही नहीं बल्कि निर्मूल्य भी है प्रेम रूपी संपत्ति को न तो कहीं से लाना होता है और न किसी से लेना होता है मनुष्य की अंतरात्मा में उसका सागर भरा हुआ है ऐसा अथाह सागर की जिसको हजारों जन्मों तक संसार के मनुष्यों को क्यों न बांटा जाए तब भी उसमें रंच मात्र कमी नहीं आती प्रेम का वह सागर जो का लबालब भरा होता है प्रेम मनुष्य की आत्मा का स्वयं प्रकाश है प्रकाश वितरण से उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आती कोई भी प्रकाश कितनी ही वस्तुओं को आलोकित क्यों न कर ले अपना आभास कितने ही विस्तार में क्यों न डाले किन्तु उसकी मूल मात्रा में जरा भी अंतर नहीं आता वह यथावत पूरे का पूरा बना रहता है तथापि आत्मा में वर्तमान प्रेम प्रकाश की उपलब्धियां अनायास ही नहीं हो जाती उसके लिए उपाय तथा साधना करने की आवश्यकता होती है जब तक मनुष्य आत्मा को आवृत किए मलविक्षिप स्वार्थ संकीर्णता आदि आवरण को नहीं हटाएगा तब तक आत्मा में विद्यमान प्रेम के प्रकाश का उद्घाटन नहीं हो सकता इन भौतिक आवरणों को हटाने के उपाय स्वरूप मनुष्य को संसार के दीन दुखी मनुष्यों के प्रति दया करुणा तथा सहानुभूति का व्यवहार करना होगा उनके दुखों को अपना दुख और उनके आंसुओं को अपने आंसू समझना होगा अपनी शक्ति भर लोगों की सेवा सहायता करनी होगी और इस सहानुभूति को जागृत तथा विकसित करने का उपाय ये है कि संसार के चरम सत्य को स्वीकार कर लिया जाए कि मेरे सहित इस निखिल ब्रह्मांड के सारे प्राणी एक उस परम पिता परमात्मा की ही संताने हैं स्थल नव तथा जलचारी जितने भी मनुष्य पशु पक्षी अथवा कीट पतंग दृष्टिगोचर होते हैं वे सब हमारे भाई ही हैं मनुष्य का यह व्यापक रात्र भाव सहज ही सबके लिए हृदय में प्रेम का प्रवाह आंदोलित कर देगा जिससे आत्मा के उस पावन प्रकाश को आवृत्त रखने वाले सारे आवरण छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो जाएंगे आत्मा में वर्तमान प्रेम का अखंड प्रकाश निरावरण होकर फैलने लगेगा जिसकी कृपा से तुच्छ मानव जीवन एक अद्भुत उपलब्धि बन जाएगी प्रेम आत्मा का सहज प्रकाश है उसको किसी से पाने अथवा कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं होती प्रेम मनुष्य की सर्वोपरि आवश्यकता है मानव आत्मा संसार से प्रेम रूपी अमृत का ज्यो ज्योह ह्रास होता जाता है मनुष्य दानव और संसार नरक बनता जाता है इसका कारण प्रेम तत्व की कमी ही तो है कि मनुष्य क्रूर कपटी स्वार्थी और शोषक बनकर अपने ही भाइयों को उत्पीड़ित करता है उन्हें हानि पहुंचाता है और उसके फलस्वरूप अपनी आत्मा में ही नरक निर्माण नहीं करता बल्कि देहांतर के लोगों को भी अंधकार पूर्ण बना लेता है प्रेम के अभाव में ही धन दौलत मान प्रतिष्ठा परिवार आदि सब कुछ होने पर भी मनुष्य सुख शांति की एक श्वास के लिए भी तरसता रहता है प्रेम की कमी के कारण ही तो ये संसार परमात्मा की यह सुंदर रचना जीव की यह कर्मभूमि जो उसके लिए स्वर्ग मोक्ष मुक्ति अथवा अमृत पद की साधिका है उल्टे शोक संताप तथा मोह बंधनों और जन मरण के दुखदायी चक्र का कारण बनती है संसार में चारों ओर पनपने वाली त्राही त्राही और शांति की याचना के मूल में प्रेम मानव जीवन और संसार की सर्वोपरि आवश्यकता है अस्तु कल्याणकारी मार्ग यही है कि आत्मा तथा संसार अंतर तथा बाह्य में स्नेह सौजन्य तथा दया करुणा व सहानुभूति की परिस्थितियाँ बढ़ाई तथा दृढ़ बनाई जाती रहे मनुष्य अपने से अपने परिवार से पास पड़ोस से पूर्वन तथा संसारी जनों से यहाँ तक कि जीव मात्र से सच्चा तथा निःस्वार्थ प्रेम करे प्रेम का विकास होते ही यह संसार जो आज अपनी परिस्थितियों में भयावह विदित होता है शीघ्र ही स्वर्गीय संपदाओं से भर जाएगा जिनके बीच मनुष्य न केवल इहलीला ही आनंद पूर्वक चला सकेगा बल्कि मुक्ति तथा मोक्ष का जीवन लक्ष्य पाने में भी सुविधा का अनुभव करेगा